वेलकम टू द ऑरा पूल, पीछे का व्यू देखो है ना, कुछ बढ़िया यहाँ पे। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. थोड़ा भी awkward हो रहा intro हो ना? Yes. लेकिन क्यों हो रहा है आपको जरा दिखा देता हूँ। ये जबोरा होटल का स्विमिंग पूल है और आप एक बार जरा यहाँ से व्यू देख लो कि कैसा है। तो यार यहाँ पे मैं क्यों आया था अभी, एक्चुअली आपको जिसमें दिखा रहा हूँ कंपैरिजन की, जहाँ पे हम जाने वाले हैं वो है वर्ल्ड का हाईएस्ट इन्फिनिटी पूल। दुबई में सबसे तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है या ओनली वन है या हाईएस्ट है। अभी फिलहाल हम जाने वाले हैं ओरा पूल में जो कि है पाम टावर्स में, और वहीं से जो टिकट आपको करनी पड़ती है 2 महीने बुक एडवांस पहले, लेकिन हमको जो टिकट है वो पहले ही 10 दिन पहले मिल गई। वहाँ चलते हैं, नसीब है अपना क्या बोल सकते हैं भाई, वहाँ से जो व्यू है वो एक नंबर का है। और हम वहाँ पर जाने वाले हैं किस पे, हमारे पास ये वाली गाड़ी है जो कि आप लोग ने देखी कल वाले व्लॉग में, तो बस अपने करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट। सो लेट्स गो। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, हम व्लॉग्स बैक हियर। अभी ना हम सारा स्विमिंग पूल वगैरह की कॉस्ट्यूम लेके निकले हैं, तो ये जो वोरा होटल की इतनी लिफ्ट स्लो है, हमको वेट करना पड़ जाता है यार कम से कम 10-15 मिनट तो यहीं पे। देखो सीट रख रखी है यार बैठने के लिए, बैठ जाओ यहाँ पे आराम से, वेट करो तुम लिफ्ट की। इतने सारे बटन देख के आपको पता लग जाता है कि आप वर्ल्ड के टॉलेस्ट होटल के अंदर हो। लिफ्ट की भाई 71, 72 HC, मतलब बिल्कुल छत है ये हाईएस्ट जो रूफटॉप कैफे है इनका। और ग्राउंड फ्लोर जाने के लिए मतलब यहाँ पे 5 लिफ्टें हैं, अगर आपको जाना है 12वें फ्लोर से 41st के बीच में कहीं पे भी तो उसके लिए 3 लिफ्ट अलग है। पर ये हमारी आज ओरा पूल जाने के लिए राइड है, इसमें हम जाने वाले हैं। एक बार जरा इसकी लुक्स देखो गाइज, है ना कुछ समथिंग यूनिक। और ये इसकी चाबी है, मैं तो पहली बार मतलब चलाऊंगा मैकलरिन एक अच्छे से भी, मैं एक बार मैंने चलाई थी बट ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं, तो अब आज मैं घूमते हैं। ये 570S है। तो गाइज अभी ओरा पूल के निकल चुके हैं। देखो ये यहाँ पे ऐसे होते हैं टोल टैक्स, जैसे हमारे यहाँ पे रोकते हैं ना भाई काटने के लिए फास्ट टैक्स से भी। ये देखो टोल टैक्स गया, ये यहाँ पे लगा हुआ सालिक और ये हमारा टोल कट गया, बस इतना आसान है। और यहाँ की जो स्पीड लिमिट है वो लिखी हुई है 100। दुबई में अगर आप कहीं भी जाओगे तो 100 का मतलब आपकी जो स्पीड लिमिट है वो है 119, आप ऊपर जा सकते हो 20 किलोमीटर के। लेकिन अगर जाते हो शारजा अबू धाबी में तो वहाँ पे ये सेम सिस्टम नहीं है, वहाँ पे आपको जो स्पीड लिमिट लिखी होती है वही फॉलो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इतने सारे मोड्स भी हैं, इतना मजा लग रहा, पता नहीं किसने बैठ गया हूँ मैं, बट कोई बात नहीं गाइस, एक दिन ये वाली गाड़ी भी घूम रहे होंगे दिल्ली के अंदर। ये ओरा पूल है देख लो, ये ऐसे हम हैं और ये 50th फ्लोर कुछ पे है। चलो जी अब हम आ गए हैं ओरा पूल, ये रहा सेंट रिजर्स होटल है ये, और यहाँ पे वैसे कार दे रहे हैं वैले के अंदर। 50th फ्लोर पे है ओरा पूल गाइस, वेलकम टू द ओरा पूल। और ये है द पाम व्यू, पाम जो मेरा एक्चुअली यहाँ के 4 व्यूज हैं, तो मेरा एक्चुअली बिल्कुल अपोजिट है भाई का ये है। और आपको दिखाता हूँ कि मेरा कौन सा व्यू है यहाँ पे, ये एक्चुअली ओरा पूल है 50th फ्लोर पे, और यार यहाँ की जो वाइब है वो अलग है। सामने वो मरीना है और एन व्हील, और ये थोड़ा सा पाम का व्यू, और यहाँ पे देखो लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप लाउंज बुक करते हो ना ऑनलाइन तो आपको स्विमिंग पूल नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपको सिर्फ लाउंज ही मिलेगा, और यहाँ पे सारी ड्रिंक्स वगैरह भी हैं। ये वाला है मेरा व्यू, ये भी अच्छा है बहुत ज़्यादा। तो हम एक्चुअली 2 व्यूज़ का फ़ायदा हो गया, ये रात के लिए बहुत बढ़िया व्यू होगा, जो सनसेट है वो होगा जेनिल वाले व्यू से। और अभी हम वहाँ से बिल्कुल चलाते चलाते आए हैं गाड़ी, तो नाउ लेट्स गो। और अपने कपड़े चेंज करता हूँ, ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनता हूँ, तो अब बस आपको मैं चेंज करके मिलता हूँ। 1, 2 and 3 एंड आई एम रेडी गाइज। यार मैंने ये भी डीली ले ली, देखो कितनी डीली है यार ये। चलो अब चलते हैं। तो अभी ओरा पूल में तो यही सीन है सबसे बड़े वाला, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक बेड्स मिले हुए हैं, आपको जिस पे बैठना है उस पे, ये नहीं कि जाके बैठ गए, आपको स्पेसिफिक बेड मिलेगा, आपको सिर्फ उसी पे बैठ सकते हो। मैं तो आके फिर बेड पे बैठ गया हूँ अभी, लेकिन भाई कह रहा है चलो स्विमिंग के अंदर, मैं मना कर रहा हूँ इसको भाई, क्या करेगा छोड़ना स्विमिंग करके। पूल के अंदर तो आ गए थे लेकिन भाई यहाँ पे जो मजा आ रहा है ना वो नेक्स्ट लेवल का है। बात करो प्राइसिंग की तो ये कुछ 250 दिरहम हमको पड़ा है पर सिंगल पर्सन का, इसलिए हमको बुकिंग करनी पड़ेगी 2 महीने पहले एडवांस, बिकॉज ये पूरा सोल्ड आउट रहता है हमेशा। अगर आपकी किस्मत ज़्यादा अच्छी हुई तो आपको ये मिल जाएंगे, प्राइसिंग सेम है सबका। यानी एक क्विक क्वेश्चन है, UAE के अंदर टोटल कितनी 7 सिटीज़ हैं, नहीं तो मैं फोन तेरा फोन वहाँ फेंक रहा हूँ। बाकी एक कुशन और टॉवल तो है ही आपके साथ में, मेरे को बहुत सही लगा यार ये सब कुछ ना, पता नहीं मेरे ये क्या हो गया अभी अभी, ये हमेशा का सीन है स्विमिंग पूल में, जहाँ भी जाऊँगा ना मेरा ये हमेशा लाल हो जाता है, ये लाल या ब्राउन है थोड़ा। अभी मेरे को उन्होंने बोला फोटोज़ खींचने के लिए इनकी, मैं ले रहा हूँ अभी। अगर तो एज वो 21 से कम है, और अगर आप आते हो 7 बजे के बाद यहाँ पे, जो कैसे कम स्लॉट्स हैं मॉर्निंग और इवनिंग, तो यहाँ पे कोई दिक्कत कर सकते हैं। जो वियतनाम के लोग हैं ना वो फ्राइड नहीं खाते रोल, तो ये बिल्कुल कैबेज है इसका, आई थिंक मोमोज ही है। यहाँ पे ना हमारा अभी आज का फूड डिफरेंट प्रोडक्ट है। Thank you.
कल एक्चुअली मेरा तो सोनू सर से और हाडी सर से, तो भाई मेरे को उनसे मिलकर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। उन्होंने सबको मैंने फोटो वगैरह भेजी है और सब लोग हो गए सरप्राइज। भाई ने पहले थोड़ी सी पी ली और अब सो गया। क्या हुआ यार, मैंने ना प्रोजेक्ट पे देखा था कि पाम जो मेरा जो है ना पानी में जा रहा है धीरे धीरे, मुझे इसका बात का पता नहीं है। ये पाम जो मेरा देखो ये, और भाई जब ये बना होगा ना, अभी मेरे को भाई ने ये बताया कि लोगों को हुआ नहीं होगा विश्वास कि भाई ऐसा कुछ ये बन सकता है, जो दुबई के किंग ने उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया और एक ऐसी सिटी बना दी जो भाई किसी का मुकाबला ही नहीं है। अभी रिसेंटली यहाँ पे आए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुबई के प्रिंस के साथ में यहाँ पे रिसेंटली, और बहुत तगड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था। बाकी यहाँ पे अभी आ चुकी मेरी कोल्ड कॉफी, साथ में ये मेरे पॉपकॉर्न्स हैं, मतलब कॉलीफ्लावर पॉपकॉर्न्स। पापा मम्मा को वीडियो कॉल अभी करी है दिखाने के लिए, स्विमिंग पूल उन्होंने बोला देखना है, तो बहुत अच्छा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है ये। गाइस एक बार जरा ये व्यू देखो, बस 4 मिनट में हो जाएगा सनसेट, और ये भाई बहुत बढ़िया है यार। सब लोग अभी देखो यही इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी बैक साइड पे है अभी पाम जो मेरा, और वहाँ का हो गया सनसेट। अब यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो हो जाएंगी ऑन, और ये पूरा मरीना वाला एरिया है, उधर गेट भी आ रहा है, ये मरीना है, यहाँ पे फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। तो बस अब व्यू को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है, बिकॉज ये था 3 से 7 का मेरा, और 45 भी हो चुके हैं, और 7 बजे के बाद 21 के नीचे कोई भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो जब अगली बार आऊँगा तो 21 हो के ही आऊँगा ना। तो बस भाई आज तो आगे और पूछे तरह उनको आगे बहुत ज़्यादा मज़ा, और खत्म करता हूँ अपने आज की फिल्म को यहीं पर ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन भाई एंड स्टे सेफ गाइस। और जो हैशटैग YPMFM अब देख रही है वीडियो बिल्कुल लास्ट तक, तुम लोगों को भाई प्यार है दिल से, वो देखो व्यू, रात का व्यू तो बहुत एक नंबर का है आज।